जबरदस्त, बहुत बेहतरीन लुक आ रही है। और ये हमारे सलमान भाई ने यार, ये देखो इन्होंने पिचकारी मार दी है, देखो यार पूरी ये जो गेम हारेगा ना वो ट्रीट देगा भाई। मंजूर है मैं मंजूर है भाई ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का दिन है और आज हमारे फ्रेंड्स का चैलेंज था, और चैलेंज ये है कि हमारी रोड गेम का चैलेंज है। तो हमारी टीम ए होगी और टीम बी होगी, और जो हारेगा ना वो ट्रीट देगा। तो आइए चलते हैं रोड गेम। तो भाई हम यहाँ आ गए हैं और जहाँ पे हमारा चैलेंज होना था, बाबा फ्राइज कॉर्नर, इनकी पट्टी है, अंदर पट्टी रोड लगी हुई है। तो इन्होंने चैलेंज अपना पूरा करना था, तो हम यहाँ पर आए हैं। तो हमारा चैलेंज स्टार्ट हो गया, हमारी टीम है टीम बी, हमारे बगल से हमारे और मैं और हमारे, तो हमारा गेम स्टार्ट होता है। चलो दूसरी बात, ये जो गेम इधर तो मैं, ये जो गेम हारेगा ना वो ट्रीट देगा भाई। मंजूर है नहीं मंडूर है भाई ना, ये होगी ये अभी मजा आएगा ना वीडियो। ये मंजूर कौन आ गया पास में, ये रहा मंजूर, समझ रहे हो? ये जाता भिखारी मांगे का, देख लो ये जाता भिखारी मांगे देनी पड़ेगी ट्रीट भाई, पहले बता रहा हूँ। हाँ जिसने ट्रीट नहीं दी ना उसको पेशाब निकाल लूंगा मैं। हाँ चलो भाई भाई, ये ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। अबे खैर हो गई, अभी करेंगे क्या मारा तूने यार, ये चौड़े में निकले हो जा बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, तेरा भी तो पेशाब निकालता हूँ मैं। खत्म, ये बंदा देगा ट्रेन। चल बेटा गेम मार दिया है भाई, हो गया ना ट्रेन, हो गया ना पक्का। हम लोगों ने गेम मार दिया हमारा, नेक्स्ट पार्टी आओ, नेक्स्ट लगेगा आओ समंदर। चलो सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ हमारा, जो हारे सलमान भाई के पास जाएगी, अंडे वाला बर्गर मशहूर है 19 साल से उसके वाले साहब बर्गर लगा रहे। चल झूठा अंडे वाला बर्गर पिचकारी मार दी है, देखो यार कंट्रोल पूरी जैकेट की इन्होंने बजा दी, आखिरी आखिरी रह गया। दो बोले चलो, दो बोल रहे हैं, चलो फाइनल है, अब ये फाइनल है, फिर देखते कौन ट्रीट दे रहा है। ये जीत गए भाई, बका दो तुमसे ना हो पाएगा। ले भाई जीत गए लोग, ये हर दफा हमारे अमान भाई बेचारे एंड में चीजें संभालने लग जाते हैं, इनको सारी जैकेट पे डाल के ये लोग शार्ट वाइस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं भाई साहब यार ये भाई कितने का ही है। चैलेंज भी इनका पूरा हो गया, और ये हमारे भाई है ना ये हार गए, और इन्होंने अपने चैलेंज पूरा करना है, तो हमें जाना है, लेकिन दूसरा चैलेंज हम जीते भी हैं। कौन सा दूसरा चैलेंज जीत गए भाई, दोनों चैलेंज हारे हैं ये, और एक
हमारे वो हैं सलमान भाई, हमारे सलमान भाई हैं, उनके पास जा रहे हैं हम आज। हम उनको उनके पास जाके ट्रीट उनको देंगे, सलमान भाई से दिखाएंगे। उन्होंने कहा था हमारे यार पीए पे आना, उनका है 5 नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे। वो खाने में बहुत अच्छा सैंडविच वगैरह बनाते हैं, तो आज हम उनके पास लेके चलते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि वो किस तरीके से बनाते हैं। चले ना चले। तो गाइस हम पहुंच गए हैं कुरंगी 2 नंबर मार्केट में। जैसा कि हमने बताया था, जो चैलेंज हारेगा और वो ट्रीट देगा। तो हमारे यहाँ पे बहुत फेमस मशहूर हैं यहाँ पर सलीम सैंडविच, और जैसा कि हमने बताया था सलमान भाई हैं यहाँ पर होते हैं। तो आइए उनसे थोड़ा उनका सैंडविच के बारे में पूछ लेते हैं और चेक करके आपको बताते हैं कि वो कैसा है। तो आइए सलमान भाई हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलमान भाई? खैरियत से? तो इनके सलीम सैंडविच, इनका काफ़ी फेमस सैंडविच है, और इनसे मालूमात लेंगे कि किस तरह ये अपना सैंडविच बनाते हैं। और काफ़ी तकरीबन 19 साल से इनका यहाँ पर ठिया है कुरंगी 2 नंबर पर। तो आपको अगर आना हो तो कुरंगी 2 नंबर पर आएँ, और मशहूर हैं सलीम सैंडविच। तो अपना सलमान भाई थोड़ा बताएँ हमारे को सैंडविच के बारे में, किस तरह बना रहे हैं ये सैंडविच है। अच्छा, इसमें अंडा पहले कबाब लगाते हैं। अच्छा, फिर सैलेड, फिर खीरा और फिर अंडा लगा के है। ये पीसेस किए जाते हैं, ये पूरी ब्राइड होती अच्छा, है। अच्छा, ये पूरी इसको आप काट के उसके अच्छा, ये पूरी ब्राइड होती है, सही। 6 पीस बनते हैं, 6 पीस कबाब करते हैं आप? जी 6 पीस करते हैं इसके। ठीक है, और ये क्या डाल रहे हैं? ये दाल का कबाब होता पेस्ट, दाल का कबाब पेस्ट। ठीक है ठीक है, देख कर लग रहा है काफ़ी लजीज बनेगा। और ये इन्होंने पेस्ट कर दिया, दाल के कबाब है ये पूरा। ये व्यूवर्स आपके लिए सबसे यूनिक सैंडविच लग रहा है। और ये मैंने तो सलमान भाई से ये भी पूछेंगे कि इनको कितना अरसा हो गया यहाँ पर ये स्टॉल लगाते हुए। स्टॉल लगाते हुए 19 साल हो गए, मेरे वालिद साहब लगाते थे। अच्छा अच्छा, तो ये जो सलीम नाम है जो ये आपके वालिद साहब के नाम से ही है? जी, मेरे वालिद साहब के नाम से सलीम सैंडविच। ठीक है, तो ये आपने ये इस पे ये गोभी लगाई? गोभी आपने लगा दी, सही। और ये तो ये प्याज है? ठीक है ठीक है। ठीक है, तो आप ये किस टाइम लगाते हैं? ये हम लगाते हैं 6 बजे शाम के टाइम, सही है। तो ये फाइनली हमारा अंडा तैयार हो गया, इसके ऊपर इन्होंने पूरा रख दिया है सैंडविच के ऊपर। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे? इसके पीसेस करेंगे पहले। अच्छा, अभी पीसेस करेंगे जी। सही है, ठीक है ठीक, करें। और इसके ऊपर इन्होंने ब्रेड का वो बाकी का हिस्सा रख दिया, और अब इसके पीसेस करेंगे। मेरे को तो देख के ही भूख लग गई है, और ये जब फाइनल रेडी होगा फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने डबल कर दिया, अब इसके फाइनल पीस करेंगे, टोटल 6 होंगे इसके, 6 पीस होते हैं। अच्छा ठीक, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन लुक आ रही है। और ये हमारे सलमान भाई ने यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, चटनी वटनी डाल के रेडी कर दिए, और ये अभी इसमें रख देंगे। सो फाइनली हमारा सैंडविच तैयार हो गया, और बेहतरीन लुक आ रही है माशाल्लाह, और मेरे को तो टाइट भूख भी लग रही है। तो आपको खाकर दिखाएंगे कैसा लग रहा है। और हमारे विनर टीम का मेम्बर एक ये रहा, मेम्बर ये रह गए, बाकी शार्ट हो गए, उनको कोई काम था, बाकी अब हम दो ही हैं। तो हम आपको चेक करके बताते हैं कैसा है, ठीक है। तो ये रेडी हो गया हमारे सैंडविच, तो खा के दिखाते हैं आपको कैसा है ये, इसका टेस्ट कैसा है। चलें खाते हैं और आपको चेक करके बताते हैं ये कैसा है। विनर टीम के 2 मेंबर आ गए, और चेक करके बताएंगे कैसा है। हाँ भाई, विनर टीम हो हैं हमार, हाँ करो करो, चेक करो कैसा टेस्ट है भाई। दानियल भाई बहुत प्यारा टेस्ट है, ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट भी है, खाने में मज़ेदार है। अच्छा, कैसा लगा भाई? ओके, तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो, या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।